कराची में 10वां आगा खान समर क्रिकेट कोचिंग कैंप शुरू हो गया। कैंप में 100 से ज्यादा बच्चे हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 14 साल, 12 साल और 8 साल तक के बच्चे शामिल हैं। माहिर कोच इनको क्रिकेट के बुनियादी तकनीक बता रहे हैं। बैट पकड़ना, करीब के कैच लेना और बॉलिंग की तरबियत दी जा रही है। क्रिकेट कौमी खेल तो नहीं, लेकिन मुल्क में सबसे मकबूल स्पोर्ट जरूर है। यही वजह है कि हर बच्चे को क्रिकेट खेलना और आफरीदी बनना है। मैं इधर क्रिकेट खेलने आया और मैं बड़ा होकर अफरीदी बनूंगा। क्रिकेट मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं यहाँ सीखने आया हूँ। क्रिकेट अच्छा लगता है, उससे अब एक्टिव रहते हैं। मैं बड़ा होकर शायद अफरीदी बनना चाहता हूँ। शायद अफरीदी जब खेलता है तो मुझे उसकी तरह खेलना पसंद है। मैं क्रिकेट सीखने आया हूँ, मैं बड़े होकर अफरीदी बनूंगा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर जलालुद्दीन और इवेंट डायरेक्टर रियाज अकबर का कहना था कि सेहतमंद सरगर्मियों के फरोग के लिए एक बेहतरीन मौका है, जिसमें बच्चे स्कूल छुट्टियों का दुरुस्त इस्तेमाल करते हैं। सेफ एनवायरनमेंट में ट्रेनिंग देने से उनकी मोटिवेशन बढ़ती है, उनके एंजॉयमेंट ऑफ द गेम बढ़ता है और उनकी लर्निंग शुरू हो जाती है। क्योंकि बहुत कम एज है, इसमें बहुत ज़्यादा स्किल कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इनको गेम एक्टिविटी कराई जाती है ताकि इस गेम से ये आशना हो, खेलें और साथ साथ इंजॉय करें। तकरीबन 100 से ज़्यादा बच्चे हमारे पास इस दफ़ा एंट्री किया है और उम्मीद करते हैं कि ये 2 महीने का कैंप बच्चे खुश भी रहेंगे और कुछ सीख के जाएंगे। बच्चों के वालदेन भी कोचिंग कैंप के दौरान मौजूद रहे और अपने नन्हों की तरबियती अमल को देखा। क्रिकेट पाकिस्तानियों के खून में शामिल है, यही वजह है कि नन्हे मुन्ने बच्चे इसे खेलने के लिए यहाँ पहुँचे। खेल कोई भी अगर उसकी मुनज़्ज़म अंदाज में कोचिंग कराई जाए तो उसके सम्राट ज़रूर सामने आते हैं। जावेद इकबाल, आज न्यूज़, कराची।